हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं राठौर इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो दोस्तों, इस मिक्सर ग्राइंडर को रिपेयर करना है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसके स्विच को सीरीज बोर्ड में लगाते हैं और इसके रोटरी स्विच को ऑन ऑफ करके देखते हैं, तो यह रोटरी स्विच वर्क नहीं कर रहा है और मिक्सर ग्राइंडर भी घूम नहीं रहा है। तो अब हम इसे ओपन करेंगे। तो मैंने इन सभी बैक कवर के स्क्रूओं को खोल लिया है इस प्रकार। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें यह ओवरलोड स्विच लगा रहता है, जिसको कि प्रेस करके देखना चाहिए। इसके बाद यह रोटरी स्विच रहता है और यह है मिक्सर ग्राइंडर मोटर। तो हम इस रोटरी स्विच के इन प्लास्टिक रबर कैप को बाहर निकाल लेते हैं और कॉमन वायर और फर्स्ट स्पीड वायर को आपस में शॉर्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मिक्सर ग्राइंडर घूमने लगा है। इसका मतलब यह है कि हमारा रोटरी स्विच ही खराब है। तो अब हम इसे चेंज करेंगे। तो हम इस रोटरी स्विच को बाहर निकाल लेते हैं और इसमें नया रोटरी स्विच ऐड करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने यह पुराना रोटरी स्विच बाहर निकाल लिया है और इसकी जगह नया रोटरी स्विच ऐड कर दिया है। इसमें यह रेड वायर कॉमन वायर है, यह वाइट वायर फर्स्ट स्पीड है, यह येलो वायर सेकंड स्पीड है और यह रेड वायर थर्ड स्पीड होती है। इस प्रकार हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं और अब हम इसे इसकी बॉडी में इस प्रकार सेट कर लेते हैं और इसके स्क्रू को अच्छी तरह टाइट कर लेते हैं। इसके बाद हम इसके बैक कवर के स्क्रूओं को भी कस लेते हैं और अब हम इसके रोटरी स्विच नॉब भी इसको इस प्रकार प्रेस करके लगा देते हैं। अब हम इसको सीएस बोर्ड में टेस्ट करेंगे। तो मैंने स्विच को ऑन कर दिया है। अब हम इसके रोटरी स्विच को घुमाकर देखते हैं तो तीनों स्पीड वर्क करने लगी हैं। तो चलिए अब हम इसे एसी में लगाकर टेस्ट करते हैं। तो यह देखिए दोस्तों, हमारी फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्पीड वर्क करने लगी है और हमारा मिक्सर ग्राइंडर घूमने लगा है। इस प्रकार हम बड़ी ही आसानी से मिक्सर ग्राइंडर का रोटरी स्विच चेंज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।